नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि आप पीडीएफ को अनलॉक कैसे कर सकते हैं। अगर कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ है जिसमें पासवर्ड लगा होता है, आपको उसको हटाना है, मतलब कि बार बार पासवर्ड मांग रहा है, तो आपको उसमें से उसको चीज़ को हटाना है। वो सिंपली ओपन करके क्लिक करके ओपन हो जानी चाहिए। तो ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको किसी ब्राउज़र पर आ जाना है। मैं यहाँ पर क्रोम पर हूँ। आपको सर्च क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पर आई लव पीडीएफ। तो यहाँ पर आपको भी ऐसा ही सर्च करना है, आई लव पीडीएफ। तो मैंने यहाँ पर आई लव पीडीएफ नहीं लिखा। देखिए, जो आपको पहली वेबसाइट है, आपको इसके ऊपर चले जाना है। इसका जो होम पेज है कुछ इस तरह से है कि इसमें सारी चीज़ें आपको, सारे टूल मिल जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आज जो मेजर टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कन्वर्जन सिग्नेचर सारी चीज़ें मिलेगी। यहाँ पे देखिए अनलॉक पीडीएफ, ऐसे तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन आप यहाँ से भी खुद भी इसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको याद होगा मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको एक वीडियो बताई थी कि आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करें। जब भी आप आधार कार्ड या पैन कार्ड डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको पासवर्ड देखने को मिल जाता है। ठीक है, और जब भी आप उस पीडीएफ को ओपन करते हैं तो उसमें पासवर्ड हर बार आता है। ठीक है, तो अब उस पासवर्ड को हटाने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, सिलेक्ट पीडीएफ फाइल पर क्लिक करेंगे और आपका इंटरनल फाइल जो ये ओपन हो जाएगा। मीडिया पिकर पर हम जाएंगे और यहाँ से आपका जो इंटरनल फाइल में जो भी आपने पीडीएफ सेलेक्ट करनी है, जैसे मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट में गया और मुझे यहाँ पर पीडीएफ देखनी है। देखिए, ई आधार जो मैंने अभी डाउनलोड किया है कुछ टाइम पहले, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, मुझे इस पीडीएफ से पासवर्ड हटाना है। ठीक है, देखिए इसमें पासवर्ड आया है। तो देखिए, अब क्या करना है कि अनलॉक पीडीएफ पे क्लिक कर देना है। देखिए, अगर आपको मैंने आधार का पासवर्ड तो बताया है, कुछ पीडीएफ में ऐसा होता है कि पासवर्ड होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली भी उस पासवर्ड को रिमूव कर देता है, लेकिन कुछ केसेस में स्ट्रांग पासवर्ड होने की वजह से ये इसको रिमूव नहीं कर पाता है, तो आपको मैन्युअली यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ सकता है। जैसे कि आधार का पासवर्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है तो आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड डाल देना होता है। ठीक है, जैसे ही आप पासवर्ड डाल देते हो उसके बाद क्या सेंड पे क्लिक करना होता है, या फिर आप पासवर्ड को व्यू भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं पासवर्ड सेंड करता हूँ और ये सिक्योर वेबसाइट है, ऐसा आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखिए, ये अनलॉक हो चुका है। ठीक है, जैसे ही आप अनलॉक हो जाता है उसके बाद आपको डाउनलोड अनलॉक पीडीएफ पे क्लिक करना होता है। यस, तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है, लेकिन आप यहाँ से मैन्युअली भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब एक बार डाउनलोड हो चुका होता है तो आप इसको ओपन करके भी देख सकते हैं। तो किसी पीडीएफ व्यूअर से हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने इसको ओपन कर लिया है तो अब ये कोई पासवर्ड नहीं मांगता है, देखिए डायरेक्ट सब आपके सामने है। तो देखिए, इस तरह से ये जो आपका पीडीएफ है पूरी तरह से ओपन हो चुका है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरी जो डिटेल्स है वो सारी देखने को मिल जाएगी। इस तरह से आप अपना जो पीडीएफ है वो अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।